हेलो नमस्कार साथियों, मैं हरबीर सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने स्टडी चैनल स्टडी 24 ऑफिशियल में। अगर आप इस चैनल पर नए हैं और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि टाइम टू टाइम आपको हमारी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। और अगर आप टीचिंग लाइन से हैं या देश के किसी भी कोने से टीचिंग लाइन से जुड़ी हुई बड़ी खबरें पाना चाहते हैं तो आज ही हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। तो साथियों, आज के इस मॉर्निंग न्यूज़ में मैं आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट खबरें लेकर आया हूँ। हालांकि मॉर्निंग न्यूज़ आपको काफ़ी टाइम से मिल नहीं पा रही थी, कुछ शेड्यूल बिगड़ गया था और कुछ एग्ज़ाम था मेरा चंडीगढ़ में, तो इस वजह से मैं आप लोगों के लिए मॉर्निंग न्यूज़ नहीं लेके आ पाया। तो अब दोबारा से मॉर्निंग न्यूज़ का जो सिलसिला है जारी रहेगा और आप लोगों के लिए कुछ अच्छी चीज़ें भी जल्द आपको देखने को मिलेंगी पढ़ाई से जुड़ी हुई। तो साथियों, अभी जो अपडेट आ रही है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। हालांकि कल मैंने आपको दिन में मतलब मॉर्निंग में एक न्यूज़ दी थी कि DSSB जल्द ही जो वैकेंसीज हैं उनका नोटिफिकेशन देने वाला है। इसके बाद एक अच्छी खबर आई है, अशोक अग्रवाल सर से ये मुझे अपडेट मिली है और अपडेट नहीं, मैं आपको सारा प्रूफ साथ में दिखा दूंगा। तो साथियों, अभी क्या है कि जो शिक्षा निदेशालय है उसने माना है कि दिल्ली के अंदर शिक्षकों की कमी है और जैसा आप जानते हैं कि जो गवर्नमेंट है 5 लाख शिक्षकों की जो बात हुई है, तो गवर्नमेंट ने क्या कहा है कि जो शिक्षकों के पद हैं वो बिल्कुल खाली नहीं रहने चाहिए। आपको मैंने बताया था पहले कि जो हमारे एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं, जो एजुकेशन लेवल है इंडिया का वो बहुत अच्छा नहीं है वर्ल्ड लेवल में। तो मोदी सरकार क्या चाह रही कि जो एजुकेशन लेवल है बहुत अच्छा हो। तो इसके बाद क्या है कि जो अभी अपडेट मिली है कि लगभग 35% पोस्ट जो दिल्ली के स्कूल है उनमें खाली है। तो अभी जो शिक्षा निदेशालय ने क्या कहा है, उन्होंने कहा है कि दिल्ली के अंदर जो पोस्ट है उनको भरने के लिए 20,000 पदों को भरने के लिए हमने DSSB को कह दिया है। अब DSSB कब तक ये भरता है ये देखेंगे। तो साथियों, बात ये कि शिक्षकों की वैकेंसीज बहुत सारी आने वाली है, जैसा मैं आपको पहले से कहता आ रहा हूं। देखो, ये अपडेट मिल रही है मुझे, इसी प्रूफ के साथ अपडेट है, क्योंकि कल कुछ ऐसा हुआ था, कुछ ऐसे कैंडिडेट्स थे। हालांकि मैं उनसे क्षमा चाहूंगा कि अगर मुझसे कोई गलती हुई तो माफ जरूर करें, क्योंकि हर किसी की एक अपनी सोच होती है और आप लोग, मैं समझ रहा हूं बिल्कुल, क्योंकि अपडेट मिलती जा रही कि वैकेंसीज आएंगी लेकिन वैकेंसीज नहीं आ रही तो दुख जरूर होता है, उसमें मैं हूं या आप है कोई भी है। लेकिन साथियों, ये अपडेट जो मिल रही है वो मैं आपको बताता हूं। अब DSSB का आपको पता है, कब ये वैकेंसीज आई थी जो DSSB में PRT, TGT, PGT की, लेकिन अभी तक वो ज्वाइनिंग नहीं हुए बहुत सारी वैकेंसीज की, तो उन लोगों को भी कितना दुख है। तो काम ये होता है कि थोड़ा स्लो करते हैं लेकिन काम जरूर होगा, ये ध्यान रखें आप, काम जरूर होगा, क्योंकि ऑर्डर अगर कोर्ट देता है या शिक्षा निदेशालय कोई ऑर्डर देता है तो वो वैकेंसीज भरनी पड़ती है। तो अभी अपडेट ये है कि DSSB को उन्होंने कहा कि 20,000 शिक्षकों की और जो पद है वो भरे जाए। तो इस पर जो अखिल भारतीय अभिभावक जो संघ है उसके अध्यक्ष हैं अशोक अग्रवाल सर, तो उन्होंने कहा है कि दिल्ली के अंदर अभी भी लगभग 15,000 जो प्रस्तावित पद है वो खाली हैं। तो साथियों, बहुत अच्छी अपडेट है ये, और ये मैंने आपको अभी बताया कि अभी जो शिक्षा निदेशालय है उसने DSSB को 20,000 पद और भरने के लिए कहा है कि आप ये पद भरें। तो अब ये देखना है कि हालांकि DSSB से जो अपडेट मिली है वो ये कि अब ज्वाइनिंग की जो प्रोसेस है बहुत फास्ट कर दी उन्होंने। अब ये क्या है कि नोटिफिकेशन किसी भी टाइम डाल के वैकेंसीज आपको देखने को मिलेंगी और उसके बाद जो और प्रोसेस है वो साथ में चलती रहेगी। तो साथियों, टेंशन ना ले बिल्कुल भी, और ये नहीं, जो अपडेट है वो मैं आपको बताता हूं। अगर आपको कोई लगता है कि मैंने कुछ आपको गलत अपडेट दी तो आप मुझे बता सकते हैं, कमेंट करके बता सकते हैं, मैसेज करके बता सकते हैं, और ये चीज साथियों मैं आपको प्रूफ के साथ दिखाऊंगा और आपको बताना चाहूंगा। अशोक अग्रवाल सर है, मैं ऐसे नहीं कि कोई भी न्यूज कहीं से मिली, अशोक अग्रवाल सर है, उनसे मुझे अपडेट मिलती है, मतलब बहुत हेल्प करते हैं, तो ऐसे लोगों से अपडेट जो मिलती है या मतलब जेन्युइन जो सोर्स है उनसे ही मैं अपडेट लेके आप लोगों को बताता हूं। तो साथियों, अभी अपडेट ये प्रूफ के साथ आप देख सकते हैं, 20,000 पदों को भरने के लिए कहा गया है, शिक्षा निदेशालय ने माना है कि दिल्ली के अंदर जो शिक्षक है उनकी कमी है, लगभग 35% शिक्षकों की कमी है स्कूलों के अंदर, जिन स्कूलों में मतलब हेडमास्टर भी नहीं है काफी में, मतलब ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिन पर अभी शिक्षा निदेशालय काम करने वाला है। तो साथियों, उम्मीद करता हूं सारी चीजें आपको समझ आई होंगी, तो आप टेंशन ना ले, वैकेंसी ये जरूर आएंगी,
और आने वाले जो 2-3 महीने हैं आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो जो साथी मेरी बात मानकर मेहनत कर रहे हैं वो आगे बहुत खुश रहेंगे, और जो अभी जिनको लग रहा है कि कुछ फेक है तो वो गलत है, क्योंकि वैकेंसी जरूर आएंगी। और बहुत से लोग क्या करते हैं कि कब आएंगे झूठ बोलते हो। देखो झूठ बोलने का मेरा कोई वो नहीं है, मैं प्रूफ के साथ आपको चीजें दिखा रहा हूं। अगर आपको फिर भी लगता है तो मैं हाथ जोड़ के आपसे क्षमा चाहता हूँ। देखो मैं कोई भगवान नहीं हूँ, मैं एक आम आदमी हूँ, जो मुझे अपडेट मिलती है वो मैं आप लोगों को बताता हूँ, ना मैं कोई DSSB बोर्ड हूँ बस। और गलती हो तो बिल्कुल क्षमा करें मुझे। हाँ तो गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।